हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और विद्यार्थी जीवन से संबंधित जितनी भी अपडेट होती है मैं डेली मॉर्निंग में डिस्कस कर लेता हूं। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहला अपडेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिसमें कि अग्निवीर से संबंधित यहाँ पर ये नई रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। मैंने आप लोगों को बताया था 24 तारीख से आप लोग जो है आवेदन करना स्टार्ट कर देंगे। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। एप्लीकेशन आज 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये फीस और SC ST के लिए भी 250 रुपये फीस है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 5/7/2022 को करवा लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 24/7/2022 एग्जाम डेट है आपकी। एडमिट कार्ड आपको जो है जल्द ही उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। एज लिमिट आपको मैंने बता ही दिया था पहले ही, 17.5 साल से लेकर 23 साल तक आप लोग अगर हैं तो आप यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक दिन में कोरोना के मामले 2 गुना से ज़्यादा हो गए, 3 गुना से अधिक हुए अस्पतालों में भर्ती मरीज। तो कोविड का जो सिनेरियो है पूरा फिर से बढ़ता जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। आपके शहर का क्या हाल है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला अपडेट है BHU की प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं और इसके अंदर स्नातक के लिए 23 पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की तारीख जो है घोषित कर दी गई है। आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर AK सिंह ने गुरुवार को सुबह ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से स्नातक कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा के लिए 15 जुलाई से आवेदन 10 अगस्त तक यहाँ पर पूरा करवाया जाएगा। CUET के माध्यम से आप सभी लोगों को यहाँ पर परीक्षा देनी है। इस बार जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर CUET के थ्रू ही आपका जो है एडमिशन होने वाला है। उसकी जो ऑफिशियल जो डेट है, ऑफिशियल मैंने नोटिफिकेशन आपको कल वाली वीडियो में दिखा दिया था, तो अगर देखा नहीं है तो जल्दी से देख लीजिए। अगला अपडेट है स्नातक प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से 10 अगस्त जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ये प्रयागराज विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पर अपडेट आ रहा है जिसमें कि इसके संगठक कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET यह टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाने वाली है। प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से 10 अगस्त तक होने वाली है। मैंने आपको बता दिया था सारी चीज़ें, तो उसके थ्रू यहाँ पर भी एडमिशन होने वाला है। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर प्रोन्नति के लिए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर पूरी रात धरना दिया गया है। 1 को जेल भी भेजा गया है। छात्रों को धरने से जबरन उठाया भी गया। 18 छात्रों की छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक इनकी बातों को सुना जाता है, कब इनके रिजल्ट में सुधार किया जाता है। अगला अपडेट है महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 जून अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है। CSJMU से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून है। महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य है। प्रमुख महाविद्यालयों में दाखिले के लिए प्रवेश फॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं। DAB कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित ने बताया है कि 23 जून गुरुवार से प्रवेश फॉर्म यश बैंक की पदम टावर स्थित सिविल लाइंस शाखा से मिलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अपना फॉर्म ले सकते हैं और 30 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। अगला बिट अग्निवीर से संबंधित, तकनीकी शिक्षा है तो अग्निवीर बनने के बेहतर मौके आपको दिए जाएंगे। भर्तियों में 2 श्रेणियाँ रखी जाने वाली हैं। सेना में जवानों का कार्य तकनीकी और युद्धक दोनों होता है, ठीक है। लेकिन सेना द्वारा निकाली गई भर्तियों में कम से कम श्रेणियाँ तकनीकी हैं, जिसमें तकनीकी कोर्स कर चुके नौजवानों के चुने जाने की संभावना ज़्यादा होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि नौजवानों का जो है तकनीकी ज्ञान का फायदा यह है कि उसे यह काम समय पर प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा सकता है, ठीक, क्योंकि उसका बेसिक पहले से ही मजबूत होगा। क्योंकि अगर वो टेक्निकल है तो जाहिर सी बात है उसका बेसिक पहले से मजबूत होने वाला है। अगला यहाँ पर एक और, यहाँ आप देख सकते हैं अग्निवीरों को तकनीकी काम भी करना होगा और अब तक यह व्यवस्था के अनुसार नौजवानों को भर्ती करने के बाद वायुसेना नौसेना अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन यदि नौजवान को पहले से कोई कार्य आता है तो यहाँ पर आप अपना जो है कार्य का अनुभव शेयर कर सकते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं आया है अभी तक आपका रिजल्ट, तो आपके रिजल्ट में अगर MW लिखा आ रहा है, किस किस के रिजल्ट में MW लिखा आ रहा है, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि मैं डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा सकूँ। अगला अपडेट यहाँ पर आगरा विश्वविद्यालय की तरफ से BSc बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। 10 से 12 बजे तक आपका टाइमिंग रहने वाला है। 4/7/2022 आपका जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पर डेट शीट ये है, थर्ड ईयर की डेट शीट आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगला एक और परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर घोषित कर दिया गया है जो कि है थ्योरी एग्जामिनेशन स्कीम 2022 के लिए। यहाँ पर है BSc सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर रेगुलर री एग्जामिनेशन MSc स्पेशलाइजेशन ग्रुप ए ओल्ड कोर्स के लिए यहाँ पर ये जो है डेट शीट यहाँ पर दे दी गई है। 27 तारीख से आपकी परीक्षाएं इसी महीने से स्टार्ट हो जाएंगी। 2 शिफ्ट में आपके पेपर होने वाली है। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी 7 से 10 रहने वाली है और उसके बाद 11 से 2 रहने वाली है इवनिंग वाली शिफ्ट, ठीक है। MSc के सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर जो है डेट शीट डाउनलोड कर लीजिए और ये आपको डेट शीट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, आपको लिंक नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगला अपडेट यहाँ पर उन्होंने जो है जितने भी
सेना के वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग की बाद मीडिया से कहा कि अभी योजना में शुरू में 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है और यह क्षमता अभी और बढ़ेगी। अगले 4-5 सालों के अंदर यह संख्या 50,000 से 60,000 हो जाएगी और उसके बाद 90,000 से बढ़ाकर 1,00,000 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना की जो योजना में 1.25 लाख तक अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से यदि 25% को परमानेंट रखा जाता है तो लगभग 46,000 अग्निवीर ऑटोमेटिकली परमानेंट रूप से भर्ती हो जाएंगे। और अच्छी खबर आप सभी लोगों के लिए ये है कि जितनी ज़्यादा अग्निवीरों की संख्या बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा परमानेंट जो है जो सदस्य उसमें रहने वाले परमानेंट तौर पर जॉब करने वाले उनकी भी संख्या जो है बढ़ती जाएगी। अगला अपडेट है यहाँ पर GIC प्रवक्ता अभिलेखों का जो सत्यापन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित करने के बाद दूसरे दिन अभिलेखों का सत्यापन की जो तिथि है उसको घोषित कर दिया गया है। दरोगा भर्ती में धांधली के को लेकर यहाँ पर दरोगा भर्ती की SIT जांच अखिलेश यादव की तरफ से यह बयान दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2021 की दरोगा भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच SIT से कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग उठाई है और उनका कहना है कि परीक्षा रद्द कर पुनः दरोगा भर्ती आयोजित कराई जाए ताकि दरोगा जैसे महत्वपूर्ण पद पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। आप लोगों का क्या कहना है, किस किन लोगों को लगता है कि इस दरोगा भर्ती में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।